हम लोग अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं में बटे हुए लोग, कोई समाजवादी पार्टी में है, कोई भाजपा में है, कोई कांग्रेस में है, कोई आम आदमी पार्टी में है, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के झंडों के नीचे हम हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जहां भी आप इस पीताम्बरी को देखें, वहां अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को, अपने राजनीतिक झंडों को अपने घर में छोड़कर इस झंडे की लाज रखने के लिए आप अपने घर की दहलीजों को लांगे और इस समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आप लोग लड़ने के लिए जरूर आए। आज नेताजी ही हैं जिनकी बदौलत हम ये संघर्ष कर पा रहे हैं और लोग हमें पहचान पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम उस कुल में हैं जिस कुल में से एक ऐसे संघर्षशील नेता निकले थे जिन्होंने हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को बचाया और बनाने का काम किया। बड़े नेता बीजेपी के आगे सिलेंडर हो गए, नतमस्तक हो गए। कहीं अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, गगन यादव, अवधेश यादव जैसे लोग बीजेपी से संघर्ष कर रहे हैं, बराबर लोहा ले रहे हैं। क्या देखिए, ये बहुत अच्छी खूबसूरती है इस यादव समाज की कि ये कभी भी घुटने नहीं टेकता किसी के सामने। और रही बात हमारी, तो हमारी ना तो कोई फैक्ट्री, ना ही हमारे कोई जहाज चल रहे, हमारा क्या ही नुकसान कर लेंगे भाजपा वाले। ना ही हमारे कुर्ते में अभी तक कोई दाग लगा हुआ है, अगर दाग लग जाता तो हम भी विचार बनाते कि भाई गंगा जी नहालो भाजपा में जाकर। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे भी भविष्य में हमारे ऊपर कोई दाग ना लगे, और अगर लगे तो हमारा समाज उस दाग को मिटाने का काम करे, जिससे कि हमें किसी और के सामने जाकर अपने घुटने टेकने का काम ना करना पड़े।